हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे चना गार्लिक फ्राई। बहुत ही ये अनोखी रेसिपी है गाइस, और सच में आप इसे ट्राई करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सच में ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, कितने क्रंची हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं ढाबा स्टाइल चना गार्लिक फ्राई। ये किसी की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा सच में। नमकीन को छोड़ के आप इससे ही बना के खाएंगे, तो आप देखिए, ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने छोले भिगा के रखे थे पानी में 8 घंटे के लिए। अब हम इन्हें कुकर में ऐड करके हल्का सा पानी डाल के, और इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा, करीब आधा चम्मच नमक डालेंगे, और इसे क्लोज करके हम इसमें 3 से 4 हम सीटी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो आइए ये देखिए, एक बार चेक कर लेंगे हम कि छोले अच्छे से कुक हो चुके हैं। नहीं, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा ही ज़्यादा हुए हैं गाइस, तो आप 3 सीटी लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने 4 सीटी लगा के थोड़ा सा इन्हें ज़्यादा पका लिया है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। पानी को हम छान लेंगे और इन्हें बाउल में ऐड कर लेंगे हम। अब स्टार्ट करते हैं हम कोटिंग। तो ये मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करा है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आइए डालते हैं इसमें हम मैदा 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार डालेंगे। आइए डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच। ये डाला है मैंने चाट मसाला 1 चम्मच। चाट मसाले की जगह आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाला है मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये मैंने फूड कलर डाला है, ऑरेंज फूड कलर, हल्का सा 1/4 चम्मच, ऑप्शनल है गाइस, बट इससे कलर आएगा, अच्छा दिखेगा। ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है करीब 1 चम्मच। तो अब इन्हें हम कोट कर लेंगे अच्छे से। तो ऑयल थोड़ा सा यूज़ करिए, मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा मैं कॉर्नफ्लावर और इसमें डालूंगा, करीब मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें यूज़ करा है। अच्छे से कोट कर लेंगे इन्हें, ये देखिए कोटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से कोट होंगे तभी ये इसमें क्रिस्पीनेस आएगी, क्रंची बनेंगे। तो इन्हें साइड में रख लेंगे हम 30 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए गाइस। आइए, ऑयल मैंने गरम किया है मीडियम हीट पे। ये मैंने लहसुन की कलियां ऐड करी हैं, करीब 10 से 15 कलियां आप यूज़ कर सकते हैं लहसुन की। लाइट ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो गाइस, ये जो लहसुन की कलियां होती हैं, बहुत ही अलग ही इसमें एक टेस्ट आता है, अलग ही मज़ा आता है जब आप इसे खाएंगे छील के। तो आइए इन्हें हम निकाल लेते हैं साइड में, ये रेडी हैं बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो हमने छोले कोट किए थे उन्हें हम फ्राई करेंगे। पहले मैं छोटा बैच यूज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं डालूँगा। एक बार चेक कर लेंगे हम डाल के कि जो छोले हैं अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं या नहीं। तो इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी शेयर करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज़। ये देखिए, जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, मीडियम हीट पे हमें डीप फ्राई करना है। आइए निकाल लेते हैं, बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं, प्लेट में निकाल लेंगे हम। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आप साउंड से चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे बैचेस को हम डीप फ्राई कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। तो गाइस, फाइनली हमारे चना गार्लिक फ्राई रेडी है।
प्लेट में निकाल लेते हैं, इन्हें सर्व कर लेते हैं। ऊपर से हम लहसुन जो हमने फ्राई किया था, लहसुन की कलियां, उन्हें हम इसमें ऐड कर लेंगे, गार्निश कर लेंगे। धनिया की पत्ती हम बीच में लगा लेंगे। तो गाइस रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार है सच में। नमकीन का स्वाद आप भूल जाएंगे, इसे ही बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।